जैस्मिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है चुड़ैल बन जाती हैं। रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती में दरार आ चुकी है। इतना ही नहीं, क्या रुबीना डिजर्व करती थी कैप्टन बनना या फिर खैरात में उन्हें कैप्टनसी दी गई है? इन सारी चीज़ों पर हम आज के रिव्यू में जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी रुबीना और जैस्मिन, एक कॉलर के फोन ने जो है इन दोनों की दोस्ती तोड़ दी। सोचिए, वो दोस्ती जो किसी के भी कुछ भी कहने से टूट जाती है, क्या आप उसे दोस्ती कहेंगे? मैं बिल्कुल भी इसको दोस्ती नहीं मानती। और जब बंटवारा टास्क में ही ये दोनों आपस में चिल्लाते हुए नजर आए थे, एक दोस्त होने के नाते इन दोनों का तभी समझ में आ गया था कि कोई दोस्ती नहीं है। ऐसे में आज एक कॉलर का फोन आया, मतलब कि दोस्ती, ट्रस्ट नहीं करती, मैं जेन्युइनली कंसर्न रखती हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर आप जेन्युइनली कंसर्न रखते हैं, आपको पसंद है, लाइकिंग है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है, ये बात नहीं हो सकती। अगर आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, आप उसे पसंद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में मुंह पर बोल देना काफ़ी आसान है कि जैस्मिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। जैस्मिन का ये बोलना कि थैंक गॉड हम दोनों सेम पेज पर है, यानी कि मैं ये पहले एक्सेप्ट कर लूँ कि रुबीना तुम ये मत बोलो कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, ये तो मैं भी चाहती हूँ, ये मैं भी सोचती हूँ कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तो मतलब ये ऐसा लग रहा था कि दोस्ती से पल्ला जो है पहले कौन झाड़े, कौन ये प्रूव कर दे कि नहीं मेरी तरफ से दोस्ती टूटी है। तो ऐसा कॉम्पिटिशन मुझे लग रहा था। अली तो तुरंत उठ के चला गया, अभिनव जैसे ही जैस्मिन ने ऐसे मुँह किया, अभिनव। तो ये जो चीज़ थी कि ये बोलना कि नहीं दोस्ती है, नहीं है दोस्ती, दोस्ती कौन सी दोस्ती, आप दोनों में कभी कोई दोस्ती नहीं थी, शुरुआत में थी, अब इस बात का तो हमें डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर दोस्ती होती है तो वहाँ थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट होती है, इस तरीके से नहीं होता है। तो ये जो दोस्ती है कि ट्रस्ट नहीं है, और अच्छा है कि नहीं है, ताकि एक दूसरे का कोई भी ऑब्लिगेशन आप लोगों को नहीं रखना है, खुलकर दोनों गेम खेलिए, दोनों में पोटेंशियल है, लेकिन एक दूसरे के मुंह पर बोलिए कि नहीं है। और अच्छा हुआ आज आप दोनों ने बोल दिया। राहुल वैद्य आगे आया, किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी जैस्मिन को, जैस्मिन सिर्फ ये चाह रही थी कि राहुल आके आगे ये बताए कि वो क्या सोचता है, उसने क्या सुना था, इनके आपस में क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। बैसाखी की जरूरत नहीं थी जैस्मिन को, और जैस्मिन का ये बोलना कि तुम्हें बैसाखी की जरूरत है, तुम अभिनव की वजह से इतनी आगे तक आई हो। जैस्मिन ने बोला भी कि अभिनव के साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट है जो हमेशा रहेगा। तो एक बात तो तय है कि जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती पहले थी, अब मुझे डाउट है, क्योंकि अगर दोस्ती होती तो इस लेवल तक ये दोनों कभी नहीं आते, चाहे किसी की भी गलती क्यों नहीं होती, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों इस होड़ में लगी हुई हैं कि पहले मैं साबित कर दूं कि नहीं तू मेरी दोस्त नहीं है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज के बाद इन दोनों के बीच में वो सो कॉल्ड जो सोच रहे थे ना कि हम पैचअप कर लेंगे, कोशिश कर रहे वो कोशिश भी नजर नहीं आने वाली है, और वो अच्छा होगा दोनों के गेम के लिए अच्छा होगा। निक्की आई लव यू, राखी जी आई रिस्पेक्ट यू। तो निक्की और राखी सावंत ये पैचअप हो चुका है, लेकिन मुझे भी यहाँ पर निक्की का बहुत स्मार्ट मूव लगता है। निक्की ने जब ये देखा कि राखी सावंत को वीकेंड का वार में भाव दिया गया है, उसकी तारीफ हो रही है, तो निक्की ने राखी को सॉरी बोल दिया, और वहीं पे कल उन्होंने बोल दिया था कि हाँ जो है मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपकी सॉरी। वहीं अर्शी खान और निक्की के बीच में पैचअप होता हुआ नहीं दिख रहा है, कौन ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, कौन कितना दिख रहा है, इस बात को लेकर जो है दोनों ही आपने देखा झगड़ा करते हुए नजर आए थे। अली के लिए लाइकिंग है निक्की की, जैस्मिन ने कितने अच्छे से इस बात को डील किया, रुबीना ने निक्की को जाके संभाला। एजाज ने बोला निक्की को कि देख निक्की मैं तेरे मुंह नहीं लगता हूँ, क्योंकि फिर तू जो डिसरिस्पेक्ट करती है, मैं तेरे मुंह ही नहीं लगूंगा तो तुझे उस नौबत ही नहीं आएगी ना, क्योंकि तू कुछ बोलेगी मैं बहुत बायस्ड हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं तेरे मुंह ही नहीं लगता। लेकिन अली, जैस्मिन, रुबीना ने, जैस्मिन और रुबीना ने, अली नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे से निक्की के मैटर को हैंडल किया। कितने अच्छे से रुबीना ने निक्की को समझाया, जैस्मिन ने अली को जाके समझाया कि देख तुझे वो पसंद करती है, उसके मन में लाइकिंग है, इसलिए तेरे लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, और इस बात को तू समझ ले। तो ये बात जो है अली को समझ आई नहीं आई, एपिसोड में नहीं दिखाया गया, एडिट किया गया, क्योंकि आगे वो क्या हुआ लड़ाई का कुछ पता नहीं चला। ऐसे आज अभिनव का वैक्सीन का सीन जो है एडिट कर दिया गया, पता ही नहीं चला, हमने प्रोमो में देखा लेकिन आज शो में नहीं था, तो शो में बहुत सारी चीज़ें एडिट कर दी जाती हैं। आप देखिए, हालांकि कल जो है मैं रिव्यू नहीं लेकर आ पाई थी, लेकिन कल आपने देखा घर में जब स्टैंड लेने की बात थी तो बहुत सारे लोगों ने राहुल वैद्य का नाम लिया कि राहुल वैद्य स्टैंड लेते हैं, पर क्या आपको शो में दिखता है, जो रात को आपको दिखाया जाता है उसमें नहीं दिखता है, लेकिन जब मैं लाइव फीड देखती हूँ, यकीन मानिए घर में
सिर्फ और सिर्फ जास्मिन और राहुल वैद्य स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। वो किसी का भी मुद्दा क्यों ना हो, एटलीस्ट जाकर बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कहती कि उनका स्टैंड सही हो या गलत हो, लेकिन वो वहां जाकर पैचअप करने की कोशिश, चाहे फिर वो राखी या निक्की का हुआ था, विकास का हुआ था तो जास्मिन भी गई थी, राहुल वैद्य गए थे और वो जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसने अर्शी और राखी का साथ दिया। मेरा ये कहना है, वो बर्तन तो नहीं धो रहा था, वो चुपचाप तो नहीं खड़ा था, वो यही तो जाके बोल रहा था ना कि राखी तुम बोलती हो, नाम लेकर बोलो, क्योंकि किसी पे भी हवा में तीर मत छोड़ो, तुम नाम लो और फिर बोलो। वो ये नहीं कह रहा था राखी को कि राखी तुम जाओ और गालियां दो, वो ये नहीं कह रहा था। तो यहाँ पे मैं स्टैंड लेने की बात कर रही हूँ सिर्फ, कि बाकी लोग जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बर्तन धोते रहते हैं, उनसे तो बेटर है। जो लोग देखा कि जास्मिन आ रही है, कह रही है कि हम विकास की हेल्प करें, वहां से मुड़ के चले गए। लाइव फीड में देखिएगा, वहां पे 3-4 लोग बैठे थे, बाकी लोग जो है उनको इंटरेस्ट भी नहीं था कि हम दूसरों के मुद्दों में क्यों पड़े। तो ये जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए। आप घर में स्टैंड तो लीजिए, जब आप स्टैंड लेंगे बोलेंगे तभी तो पता चलेगा उसका सही क्या है गलत क्या है, लोग डिस्कस तो करेंगे, लेकिन आप मुंह फेर लें ये नहीं होना चाहिए। तो आज जो है राहुल गया जैस्मिन के पास, जैस्मिन उसकी तरफ देख रही थी, जैस्मिन ने रुबीना को बोला, रुबीना ने बोला कि तुम बातों का संदर्भ बदल देती हो। मुझे ये लगता है कि आपने उसको बोला कि तुम्हें बैसाखी की जरूरत है, उसने आपको बोला कि रभिनव आपकी बैसाखी है, आपका हस्बैंड ही है। मुझे लगता है उस बात को वही भूल जाना चाहिए था। रुबीना को आज कैप्टनशिप दी गई, उसको फ्री में कैप्टनशिप मिली, ऐसा जैस्मिन ने बोला। और ये बात रुबीना ने बोली कि सर पहले आप इसको क्लियर कर दीजिए। रुबीना, मुझे ये लगता है कि घर में कैप्टनसी डिजर्व होनी चाहिए, भीख में नहीं मिलनी चाहिए, अर्न करनी चाहिए। कुछ चीज़ों को अर्न किया जाता है और वो जो है मिलनी नहीं चाहिए, कैप्टनसी वही है। लेकिन घर का जो माहौल खराब हो रहा था और रुबीना में जो डिसिप्लिन है उसको देखते हुए रुबीना को कैप्टनसी दी गई कि अब आप लीड कीजिए। हम देखते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालती रहती हैं, तो ठीक है, आपको लगता है कि आप अच्छी लीडर बन सकती है तो आप कीजिए ना, तो ये उनके लिए एक चैलेंज भी है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने लोगों से सवाल पूछे थे कि आप बताइए कैप्टनसी वो डिजर्व करती थी या खैरात में मिली, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि मैम कैप्टनसी जो है उसने अर्न नहीं की है। तो ये बात मुझे भी लगता है कि कोई चीज़ जब आपको अर्न किए बिना मिल जाती है ना, उसकी रिस्पेक्ट दूसरे लोग भी नहीं करते हैं। जब आप खुद किसी चीज़ को अर्न करते हैं, अचीव करते हैं, तो सामने वाले रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो उनको जिस तरीके से कैप्टनसी मिली है, सलमान खान ने स्पेशली बोला कि ये जिम्मेदारी दी गई है खैरात में नहीं, और जिम्मेदारी क्या है, घर का माहौल ठीक करने की, घर में डिसिप्लिन लाने की, तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ा काम दिया हुआ है। लेकिन घर वाले इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बहुत सुनाया जाएगा रुबीना को, ध्यान रखिएगा कि तुम्हें ये फ्री में मिली है, खैरात में मिली हुई चीज़ है। और वहीं से ही बैठ के जैस्मिन ने इसकी शुरुआत कर दी, पर घर वालों ने ये नहीं सोचा कि रुबीना को ही क्यों दिया गया। क्यों? क्योंकि घर का माहौल खराब हो रहा है, तो रुबीना वो माहौल ठीक करे, चीज़ें डिसिप्लिन लाए, ड्यूटीज नए सिरे से दे, ये बात स्पेसिफिकली बोली गई। इसलिए बोली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर जिस तरीके से हो चुका है उसको ठीक करने की। अब बात है रुबीना अभिनव की, कल की हम मस्ती देख रहे हैं, रुबीना ने उसको नीचे गिरा दिया, तुम 8:30 बजे के, और उसने अब ड्यूटीज़ में डिसिप्लिन में अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा कि कल 8:30 बजे के बाद जो है मस्ती करना, अभी सबके सोने का टाइम है। तो उसने अभिनव को भी डांट लगाई है, लेकिन वो कल सीन दिखाया जाएगा। पर आज वैक्सीन का सीन एडिट कर दिया गया, पता नहीं क्यों, रुबीना और अभिनव को देखने में मजा आता है। जब आप सीन कट करेंगे तो अभिनव को बोरिंग का ही टैक मिलेगा ना, हर किसी ने आके अभिनव को जो है ऑलमोस्ट अर्शी को छोड़ के शायद सब ने उसको बोरिंग का टैग दिया। तो ये चीज़ें जो है घर में देखने को मिल रही हैं। लेकिन राहुल ने बोला भी कि सर मेरी तो कमर में दर्द था, मैं भागता नहीं ना, अगर इसको कैप्टनसी देनी थी। राहुल एकदम अगेंस्ट है रुबीना के, नो डाउट, जो पहले गेम था वही अभी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी अली के पास रह गई, इस बात के लिए राहुल और अली जो है खुश है कि ठीक है, इम्यूनिटी जो है वो मेन है, वो रह गई है तो वो सही है, तो इम्यूनिटी उन्हीं के पास रह गई है। वहीं आज जो है बहुत सारी चीज़ें हुई घर में, निक्की और राखी की सुलह हो गई। हम कल देखेंगे कि मन्नू पंजाबी जो है उनकी तबीयत खराब हुई है, वो घर से बाहर चले गए हैं। इतना ही नहीं, विकास गुप्ता को हमने लाइव फीड में देखा, विकास गुप्ता घर में आ चुके हैं और 4 लोग जो है नॉमिनेट हुए हैं। और 4 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया भी था, जिसमें एजाज को रुबीना ने नॉमिनेट कर दिया है मैं आपको, और मन्नू पंजाबी नॉमिनेट थे, लेकिन मनु पंजाबी पहले ही घर छोड़ चुके हैं इसलिए उनको नॉमिनेट में नहीं गिना जाएगा। लेकिन विकास गुप्ता जो है घर के अंदर आ चुके हैं, लाइव फीड में दिख भी रहे हैं वो। तो एजाज को रुबीना ने नॉमिनेट किया है क्योंकि वो कैप्टन थी। अभिनव शुक्ला नॉमिनेटेड है,
राहुल महाजन नॉमिनेटेड है और मनु पंजाबी, लेकिन मनु पंजाबी पहले ही जा चुके हैं, तो नॉमिनेशन में मुझे लगता है कि एजाज अभिनव और राहुल महाजन के बीच टक्कर होगी आसानी से राहुल महाजन, क्योंकि अभिनव को रूबीना फैंस के वोट मिल जाएंगे, एजाज की फैन फॉलोइंग है, वो इतनी जल्दी आसानी से जो है घर से नहीं जाएंगे, मुझे लगता है टॉप फाइव तक वो जरूर पहुंचेंगे। तो अब जो है ये देखना होगा कि कल नॉमिनेशन टास्क में हम देखेंगे कि किस तरीके से लोग एक दूसरे पर फिर से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर ये गेम ही बोलने का है, और जब आज बोल भी रहे थे राहुल तो उसने बोला कि तुम पिक मत करो, तो रूबीना ने जब बोला तो राहुल ने बोला तो मैं यहाँ पे और क्या पिक करूँ, मैं जो है मुद्दे ही पिक करूंगा ना, आपकी शब्द ही पिक करूंगा, क्योंकि शो सिर्फ बोलने का ही है, आप बोली बोलती है मैं आपके शब्दों को ही बताऊंगा ना कि आपके सामने आप क्या है। लेकिन वो ये क्यों बताने में लगे हुए हैं कि वो रॉब झाड़ती हैं अभिनव पर, ये पति पत्नी का मामला है, मुझे नहीं लगता किसी तीसरे को बोलना चाहिए, और अभिनव ने भी आके बोल दिया। तो कई बार भी ना राहुल ना कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं जो वाकई में उनके मुद्दे सही होते हैं लेकिन उनकी दिशा कुछ और पकड़ लेते हैं वो। अगर आप घर के बारे में बोल रही हैं कि हाँ आप में अथॉरिटी रखती हैं, आप ऐसे रॉब जमाती हैं, तो समझ में आता है। अगर वो अपने पति पर रॉब जमाती हैं तो राहुल वैद्य आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे, आप फिर से उसी ट्रैक पर चलिए, भटकिए मत, बिल्कुल मत भटकिए। लेकिन एक बात तय है कि आज के बाद जैस्मिन अली राहुल ये अपने आप में एक ग्रुप होगा। मुझे लगता है कि मन्नू पंजाबी और निक्की भी इस ग्रुप में शामिल होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। एजाज, अर्शी, राखी सावंत और रूबीना अभिनव, ये ग्रुप रह जाएगा, लेकिन ये ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तक जो है दूसरा ग्रुप था, कैप्टेंसी टास्क को ये लोग बहुत लाइटली लेते थे, मतलब आप कैप्टन बना दो। आप याद कीजिए उस दिन जब टास्क था, मैंने ये बोली थी बात कि राहुल और निक्की दोनों ही तो अली को बचाना चाह रहे थे, तो इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन राहुल ने आज बोला कि ये अपनी परफॉर्मेंस का भी तो टास्क है ना, मैं इसलिए लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको बचाना अली को ही है ना, आप टीम ही तो खेल रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा बनावटी लगती हैं कैमरे पर शो में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सब तो प्रिडिक्टेड है ना, हर टास्क प्रिडिक्टेड है। क्यों अभिनव जो है खुद नहीं बचा, क्यों वो कैप्टन नहीं बना, अगर वो कैप्टन बनता अपने आप इम्यूनिटी मिल जाती, क्या उसको इम्यूनिटी नहीं चाहिए। तो इन दोनों का गेम वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए गेम जितना प्रेडिक्टेबल बना रहे हैं ना ये लोग, उसी को अनप्रेडिक्ट करता रहता है बिग बॉस मेकर्स क्रिएटिव्स। तो ये शो आगे जो है क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, घर वालों ने उसको बहुत प्रेडिक्टेबल बना दिया, आप कोई मसाला नहीं दे रहे हो। उसके बाद जो है मेकर्स को क्या करना पड़ता है कि ये जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं घर के लोग, अब इसको हम चेंज करते हैं। अली कैप्टन बनेगा बहुत प्रेडिक्टेबल था, ठीक है अब रूबीना को बना दो। तो मेकर्स कोई नई स्ट्रैटेजी तो तब लाएंगे ना, शो को अच्छा तब बनाएंगे जब घर वाले कुछ अच्छा दे मसाला। लेकिन सीन एडिट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लाइव में आप देखते होंगे कि किस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप कितना एडिट करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं घर के अंदर शो के प्रेडिक्टेबल होने की, इसीलिए मेकर्स ने अभी रूबीना को बनाया है कि ठीक है। लेकिन रूबीना को कैप्टन बनाने की बात जो है ना, उसको प्रोमो में दिखाना चाहिए था ताकि लोगों में इंटरेस्ट जगता, क्योंकि रूबीना को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। रूबीना एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिससे जुड़ी बातें जो है लोग जानना चाहते हैं, राहुल वैद्य से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं। तो ये दो कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनको लेकर मेकर्स इनकैश कर सकते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। तो अब ये देखना होगा कल नॉमिनेशन में, सॉरी कौन किसको नॉमिनेट करता है। हालांकि मैंने आपको ये पूरी डिटेल पहले भी दे दी थी, और कल से फिर से लाइव फीड शुरू होगी और हम सुबह से आपको बताएंगे। मैं आपको लाइव फीड की एक तस्वीर भी दिखा देती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि विकास घर के अंदर है, वो आज घुस चुके हैं, और राहुल महाजन, अभिनव, विकास ये सब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो विकास जो है घर के अंदर जा चुके हैं, तो अब गेम फिर से पलटने वाला है। विकास इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगा, राहुल महाजन इनके ग्रुप में है, अली गोनी, जैस्मिन, राहुल वैद्य, निक्की और मनु पंजाबी का एक अच्छा ग्रुप बन सकता है। और अगर वो एक ग्रुप बना तो बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे ये तीन। हालांकि मनु जो है अब निकल जाएंगे कल, तो निक्की फिर से अकेली, वो राहुल वाले ग्रुप में नहीं जाएंगी। तो ये देखना होगा कि निक्की किस ग्रुप में ज्वाइन होती हैं, क्योंकि जैस्मिन के साथ उसकी बन रही है और रूबीना के साथ भी बन रही है, तो क्या वो रूबीना के साथ जाएगी, क्योंकि वो अर्शी और राखी के साथ तो नहीं जाएगी। तो फिर उसके पास ऑप्शन बचती है या तो रूबीना के ग्रुप में शामिल होने की या फिर जैस्मिन के। वहाँ राहुल वैद्य है, राहुल वैद्य निक्की को पसंद नहीं करते, तो ये होगा कि कल मनु के निकलने के बाद निक्की किसके साथ बैठेगी। मुझे लगता है कि वो रूबीना का ग्रुप ज्वाइन कर सकती है या फिर अली की भी लाइकिंग है। हालांकि मैं भी खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि किस ग्रुप में वो जाएंगी। आपको क्या लगता है,
कि उसके लिए कन्वीनियंट क्या है, अली जास्मिन के साथ और राहुल के साथ बैठना या फिर रुबीना, क्योंकि अब जास्मिन और रुबीना में आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर से दोस्ती होगी, क्योंकि आज जो था वो लास्ट था। अब उनको ये समझ में आ गया कि बाहर के लोगों को भी ये पता चल गया है, और आज जो रुबीना ने बोल दिया नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं है, और ये भी बोल दिया तुम कन्वीनियंस के हिसाब से चुड़ैल बन जाती हो। तो जास्मिन ने बोला भी कि आप जो है अपनी पिच स्लो कीजिए, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, मैं आपको एक मौका दे रही थी, अच्छा है कि हम लोग सेम पेज पर हैं। तो ये देखना होगा कि कल कौन कौन नॉमिनेट होता है, हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन नॉमिनेशन के समय ये जो पॉइंट रखते हैं वो क्या क्या रखते हैं। और घर में विकास गुप्ता वापस आ चुके हैं, विकास के आते साथ जो है अर्षी चिढ़ चुकी है, बुरी तरह से चिढ़ी है अर्षी। तो अब देखना होगा अर्षी और विकास का गेम प्लान क्या है, और अब मजे आएंगे जब मनु बाहर चले जाएंगे और निक्की भी अकेले पड़ जाएगी, और रुबीना और जास्मिन में अब दोस्ती नहीं रहेगी। तो घर के अंदर नई इक्वेशंस बनेंगी, नई प्लानिंग होगी। तो कल फिर से मिलेंगे नए एपिसोड के रिव्यू के साथ।